अभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है, वेलकम टू दिस वीडियो। तो फ्रेंड, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले फार्मासिस्ट पोस्ट के बारे में। तो यहाँ पर फार्मासिस्ट की पोस्ट निकल कर आई, इसके लिए अप्लाई कैसे करोगे और क्वालिफिकेशन क्या चाहिए और आपका एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए, तो इन सब के बारे में डिटेल में जानकारी हम आपको इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं। उसी के साथ इसके लिंक भी प्रोवाइड हम डिस्क्रिप्शन में आपको कर देंगे। और इसको अप्लाई कैसे करना है, कैसे इसकी वेबसाइट पे जाके लॉगिन करना है, रजिस्टर करना है, इन सब के बारे में डिटेल में जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, एक गवर्नमेंट जॉब है जो कि अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के अंडर आता है। तो आप सभी को ये पता होना चाहिए, एक गवर्नमेंट जॉब है। तो फ्रेंड, आप तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करना, ताकि हम जब भी वीडियोज अपलोड करेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन पहले आपको मिलेगी और आप इजीली हमारे वीडियोज देख सकते हो। तो चलो वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दी गई है, तो इसके अंदर आप पढ़ सकते हो। मैं डायरेक्टली यहाँ पर पोस्ट के ऊपर आता, तो पोस्ट देख लीजिए, यहाँ पर होम्योपैथी फार्मासिस्ट की पोस्ट है। नेक्स्ट यहाँ पर जैसे हम स्क्रॉल करेंगे, तो स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर थोड़ी एप्लीकेशन के बारे में जानकारी दी गई है, तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हो। एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर द रिटायर्ड होम्योपैथी फार्मासिस्ट हुआ और रिटायर्ड फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सब आप पढ़ लीजिए फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं नंबर ऑफ वैकेंसी के ऊपर आता, तो टोटल यहाँ पर ओनली वन वैकेंसी यहाँ पर दी गई है। तो जो भी यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी जाकर अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर लिमिटेड वैकेंसी है, यानी कि ओनली वन वैकेंसी यहाँ पर बची हुई है। तो जल्दी अप्लाई कर दीजिए फ्रेंड्स। तो कब तक यहाँ पर देख लीजिए अप्लाई करना है, तो 6 अप्रैल 2023 से पहले यहाँ पर अप्लाई करना है। अगर आप शॉर्ट लिस्टेड हो जाते हो तो आपको यहाँ पर इंटरव्यू की डेट वो बता देंगे। तो जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दीजिएगा फ्रेंड्स। अब आते क्वालिफिकेशन के ऊपर। यहाँ पर देख लीजिए, 12th पास विद साइंस सब्जेक्ट, आपका 12th कंप्लीट होना चाहिए विद साइंस सब्जेक्ट, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के थ्रू, और इक्विवेलेंट प्लस डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स इन होम्योपैथी फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट। ओके, तो ये सभी क्वालिफिकेशन उन्होंने बताया। आप देख लीजिए एज लिमिट कितनी होगी यहाँ पर आपकी, नॉट एक्सटेंडिंग द एज 64.5 ईयर्स। तो इसके 64.5 ईयर्स से ज़्यादा यहाँ पर आपकी एज नहीं होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। आप देख लीजिए डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायर्ड है, तो यहाँ पर क्लास 10th सर्टिफिकेट, 12th सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट इन होम्योपैथी, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, PPO लास्ट पे सर्टिफिकेट और रिटायरमेंट सर्टिफिकेट और ID कार्ड यहाँ पर आपका होना चाहिए, तभी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर रेफरेंस वगैरह कुछ दिया है, यहाँ पर देख लीजिए। और एक मैं बात आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या कहा है, इंटरेस्टेड कैंडिडेट में अप्लाई अलॉन्ग विद द अटेस्टेड कॉपीज ऑफ देयर डॉक्यूमेंट एज मेंशन इन पैरा थर्ड। तो जो भी मैंने डॉक्यूमेंट बताया वो डॉक्यूमेंट अटैच करना है और आपको इस एड्रेस के ऊपर उन्हें सेंड करना है। ओके, एड्रेस जो दिया है तो इस एड्रेस के ऊपर आपको पोस्ट के थ्रू यहाँ पर सेंड कर रहे हैं। और जैसे ही यहाँ पर आप मोर इन्फो के ऊपर क्लिक करोगे एंड फॉर्म के ऊपर क्लिक करोगे, तो यहाँ के आपके सामने एक एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, ओपन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देख लीजिए, मैं इसके ऊपर क्लिक करने जा रहा हूँ। तो जैसे ही मैंने लॉगिन किया फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देख लीजिए गवर्नमेंट का, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का हेल्थ स्कीम का है, तो वो यहाँ पर ओपन हो चुका है फ्रंट पेज। तो यहाँ पर आप सब देख सकते हो, तो यहाँ से आपको अप्लाई करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से आप अपना रजिस्ट्रेशन और सब कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, बस आपको इस वीडियो के अंदर इतना ही बताना था। आई होप आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर कुछ डाउट या प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना फ्रेंड्स। और अगर आपको फार्मेसी रिलेटेड कोई भी